और दुनिया में हमें गुमराह करने के लिए आया है, बर्बादी के अड्डे पर पहुंचाने, जहां वो खुद जाएगा वहीं पर हमें भी ले जाने के लिए आया है। इसीलिए तो उसने अल्लाह से कहा था, अल्लाह जो तेरे नेक बंदे होंगे ना उन पर मेरा जोर चलेगा ही नहीं, लेकिन जो मेरे बंदे होंगे उनको आसानी से बहका लूंगा। तो आपको रमजान के बाद खबर आई होगी कि कितने सारे बंदों को शैतान ने किडनैप कर लिया है, मस्जिद में नजर ही नहीं आते, रमजान में बराबर नजर आ रहे थे, गायब हो गए। जैसे शैतान आजाद हुआ, खुद भी आजाद हो गए, खुद भी गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो गए, शैतान के रविश पे चलना शुरू कर दिया। वही काम जो पहले था, जो पहले शुरुआत थी, वही काम फिर से शुरू कर दिया। इससे पता ये चला कि रमजान के अंदर इसने जो काम किया था, ये काम कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। इसके रोजे ने इसको मुत्तकी नहीं बनाया, इसकी नमाजों ने इसको मुत्तकी नहीं बनाया, इसके जक़ात ने इसको मुत्तकी नहीं बनाया, इसके तहज्जुद, इसके तरावी की नमाज, जिसके बारे में झगड़ा हमेशा होता रहता है, तकवा नहीं आया, कुछ तकवा नहीं आया। पता चला जिम खाने में गया था अपना बॉडी बनाने, खुद वीकनेस बन के आ गया। इसीलिए जहां पर भी आप जाएंगे जिम खाने के अंदर, तो वहां सामने आईना लगा होता है, क्यों? ताकि बंदा देख करके मसल्स देखे, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 30 रोजे के जरिए से हमारे अंदर कितना तकवा आया, झूठ छूटा कि नहीं छूटा, सीरियल देखना बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, केबल घर से निकला कि नहीं निकला, फिल्में छूटी कि नहीं छूटी, जो आईपीएल का देखना का चस्का लगा हुआ था वो बंद हुआ कि नहीं, स्मोकिंग जो छुप छुप करके अब्बा अम्मा से करते हैं वो बंद हुआ कि नहीं। अगर नहीं बंद हुआ मेरे भाई, तब कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ी है, बहुत बड़ी बुराई है। जिंदगी कहीं और जा रही है, हम कहीं और जा रहे हैं, जन्नत का रास्ता नहीं। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.